नमस्कार फ्रेंड्स। तो कल हमने बहुत सारी बातें की और आप काफ़ी लोगों ने एनरोल भी करवाया इस कोर्स में। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने एक अच्छा स्टेप लिया। और आज मैं कुछ ग्रहों के बारे में बात करना चाहती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 12 राशियाँ होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली में, और सारी ज्योतिष जो है इन चार चीज़ों पे टिके हैं। तो चलिए आज हम कुछ ग्रहों के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ सूर्य के बारे में बात करना चाहती हूँ। देखिए, वैसे तो ये सब हमारे कर्म ही है कि हमारा कौन सा ग्रह अच्छा है या बुरा है, बट हम कर्म करके इन ग्रहों को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ रेमेडीज़ करके, कुछ उपाय करके हम इन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है एक अपनी लाइफ में। तो सूर्य क्या है, अगर हम सूर्य को जाने तो सूर्य आत्मा है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य पिता भी है। हाँ, सूर्य पिता भी है। देखिए, अगर हमारे पिता से संबंध खराब हैं, पिता से रिलेशन खराब है, तो आप मान के चलिए कि डेफिनेटली आपका सूर्य खराब होगा। आपका अगर सूर्य खराब है तो आपको अपने करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आप जो भी ऊंचे पद पे जाना चाहते हैं उसमें भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे मैंने कल भी बताया था, ज्योतिष जो है, अगर आप अपने आप को सुधार लें, अपने जो कर्म हैं उनको आप सुधार लें, तो आप अपने भाग्य को भी सुधार सकते हैं। अगर आप अपने पिता से रिलेशन अच्छे रखें और उनकी रिस्पेक्ट करें और उनका आशीर्वाद लें, सुबह जल्दी उठें, क्योंकि देखिए सूर्य जब उदय होता है, अगर हम सूर्य उदय से पहले उठते हैं तो हमारे सूर्य खराब हो ही नहीं सकता। अपने ग्रह हम खुद खराब करते हैं। हमारी जो आते हैं कि 10 बजे उठना, 11 बजे उठना, अरे तब तक तो सूर्य का टाइम कब का ख़त्म हो चुका होता है। हम ही सूर्य के टाइम पे उठ के हम अपने ग्रह को ठीक रख सकते हैं। ये जो धर्म बनाया गया है, एस्ट्रोलॉजी बनाई गई है, ये हमारे डेली आचरण का ही तो नतीजा है। ठीक है, आपने जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग देखे होंगे, सब जल्दी उठते हैं। तो अगर हम सूर्य की बात करें, जो पंचम भाव का भी स्वामी है, ठीक है, तो हम जल्दी उठकर अपने सूर्य को अच्छा रख सकते हैं। अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छे रख के हम अपने सूर्य को अच्छा रख सकते हैं। और भी हम ग्रहों के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको बताती हूँ चंद्रमा के बारे में।